संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्री महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप हम विराजमान आयोजक श्री महापुराण कथा समिति मालेगांव दादाजी श्री दर्गो जी भूसे मंत्री जी महाराष्ट्र सरकार इस कथा को संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु स्मरण करने का सौभाग्य मिला है। बाबा देवदेव महादेव की जब तक कृपा ना हो करुणा ना हो तब तक हम दो कदम चलकर भी भगवान के पास में नहीं पहुंच सकते। उसी तरह आपके हमारे सबके लिए अगर कोई बड़ा है ग्रंथ है सुनने की सेवा है उसको अपील करना है अगर कोई बड़ा है करुणा करने वाला है उदार है दया करने वाला है कृपा का सागर है देवों के लिए भी जो देव है देवताओं के लिए भी उच्च जैसे आपने अन्य कथा में श्रवण करा भगवान शंकर की पावन कथा में हमें सुना भगवान शिव की कथा में हम श्रवण करते हैं सुनते हैं कि और भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी है पूजन करी अर्थात पीछे इससे हमें सीखने को मिलता है कि भगवान भी जिसका भजन कर रहे हैं मेरे राम जी महाराज भी जिसका स्मरण कर रहे हैं मेरे का कल्याण करने वाला हो सकता है और देव ही भगवान हम जितनी प्रेमवश करते हैं भक्ति हम जितनी प्रेम के साथ करते हैं हम आनंद के साथ करते हैं हम स्मरण के साथ में करते हैं उतना सुख हमारे जीवन में आता है। भजन करो स्मरण करो कीर्तन करो मंत्र जाप करो नाम जाप करो या मंदिर जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ा या आप जिस व्रत को कर रहे हो साधना को कर रहे हो उपवास कर रहे हो भक्ति कर रहे हो उसमें भजन का जो बल है वो अहंकार से भी नहीं होना चाहिए अभिमान की तो ताकत होनी चाहिए। जब हम अहंकार को छोड़ कर भगवान का भजन करते हैं अभिमान को त्याग कर भगवान का भजन करते हैं तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं उसको प्राप्त करते हैं। हम जब अहंकार को छोड़ देते हैं हम जब अहंकार को त्याग देते हैं अहंकार को हम जब खर्चा करते हैं तब हम जो भजन करते हैं वो हमारा दान करने वाला वो जल जाता है जलती क्यों नहीं जलती जल जाता गीली लकड़ी सूखी लकड़ी का संग पकड़कर जल जाती है उसी तरह
बुरा व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति का अगर संग पकड़ ले, कोई भजनावली का, कोई कीर्तन का, कोई मंत्र जाप करने वाले का, कोई नाम जाप करने वाले का, कोई कीर्तन करने वाले का, कोई स्मरण करने वाले का अगर संग पकड़ लेता है तो निश्चित है वो भी उतर जाता है, पार कर जाता है। इस लोहे के पीर को नदी के उस पार लेकर जाना है, तुम्हें नहीं जाना है, केवल कील को नदी के पार जाना है, केवल उस लोहे के कीले को नदी के पार जाना है। लोहे का कीला, लोहे की कील नदी के उस पार लेकर जाना है और तुम्हें नहीं जाना है, केवल कील को जाना है। तो कील को उठाकर तुमने नदी में डाला तो कील गिर जाएगा, वो लोहे की कील, लोहे का कीला, लोहे का कीला पार कर नहीं निकल। पर उसी लोहे की कील को अगर आपने लकड़ी में ठोक दिया, एक लकड़ी में उसको ठोका और उस लकड़ी को आपने पानी में डाल दिया तो वो लोहे की कील भी पार कर जाती है। उसी तरह इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर ठोक दीजिए, उसके चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए,